गुरुवार को शहर के छत्रसाल चौराहे पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीती रात छतरपुर के जिला पंचायत कार्यालय के बाहर अनशन कर रहे किसानों और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित भटनागर के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट और पिछले दिनों भोपाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह को प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा अपमानित किए जाने के विरोध में था। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की बात करने से डर रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और आवाज उठाने वाले किसानों का दमन किया जा रहा है। चाहेंगे, मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है, आम आदमी पार्टी छतरपुर जिलाध्यक्ष। किस प्रकार का आज आंदोलन किया जा रहा है आपके द्वारा? आज का आंदोलन प्रदेश के सरकार और कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र जून जी का, जो भोपाल में जाट सभा हो रही थी उसमें किसान सभा थी वो वाला थी, उसमें हमारे प्रभारी मंत्री पहुंचे थे और वो जैसे ही मंच पर किसानों की बात करना उन्होंने शुरू की, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनको मंच से हटाने की कोशिश की और उनके साथ धक्का मुक्की की। इसी के विरोध में आज सब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार किसानों की बात करने से डरती है, किसानों की बात को दबाना चाहती है और जो किसानों की बात करता है उसको दबाने का काम करते हैं, उसको परेशान करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आपको बताएं कि कल की घटना, आज रात की घटना है, हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव अमित भटनागर जी के द्वारा और आम आदमी पार्टी का समर्थन था उसको, तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज रात में बिना किसी सूचना के पुलिस प्रशासन ने पूरी मिलीभगत के साथ धरना स्थल से 1 बजे वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी बैठे थे उनके साथ में धक्का मुक्की की गई जी। उनके कपड़े, बैग, थैले, खाने का सामान और महिलाओं की जो जेवरात थे, चैन थी, वो भी कई गिर गई हैं, कहाँ गई हैं, लूट हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक लूट है, प्रशासन की आंखों के सामने लूट हुई है और प्रशासन एक मूक दर्शक बना हुआ है। और जो कार्यक्रम, जो आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था वो पीड़ित किसानों के लिए हो रहा था, ना कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं। और ये सरकार, ये प्रशासन किसानों की बात करने से डरते हैं और जो किसानों की बात करता है उनको दबाने का काम करते हैं, उनको परेशान करने का काम करते हैं। और हम लोग आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, इनके कामों से डरने वाले नहीं है। हम निश्चित तौर पर मैदान में डटे रहेंगे और किसानों की मुद्दों की, स्कूल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करते रहेंगे और इनका नीतियों का, गलत नीतियों का इनका विरोध करते रहेंगे जी। प्रशासन का कहना है कि वहाँ बैठने के, धरने प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, क्या नहीं परमिशन नहीं ली गई थी तो पहले दिन फेंक देना चाहिए था जी।